नूर। बेटा कुछ दिन के लिए मेरे साथ घर चल। बेटा तुम्हारा दिल बहल जाएगा। यही तो आपकी बहन चाहती कि मैं इस घर से चली जाऊं, लेकिन मैं ये गलती नहीं करती। बेटा उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। पता मैडम फारूकी तुम्हारे लिए बहुत परेशान, वो कह रही है किसी तरह भी तुम्हारा दिल बहल जाए कि तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए घर चलो, मैं कोई एतराज नहीं। मेरे साथ क्या कुछ नहीं हो गया और अब अतिया मैडम फारूकी से ये कह रही है मतलब इतना कुछ हो गया और आपकी बहन अभी तक मेरे खिलाफ साजिशें कर रही है। नूर, उसने कुछ नहीं किया, तुम्हारी ये गलत फहमी कब दूर होगी बेटा? आओ इमाम, आप बेटा इसे कुछ समझो, मेरे साथ कुछ दिनों के लिए घर चले, इसका दिल बहल जाए। आई तो मैं इसे समझाने के लिए ही हूँ, लेकिन इसे समझाना फजूल है। अब भी मत करना फजूल बात। इतना सब कुछ हो गया नूर, अभी भी तुम्हें अकल नहीं आई। क्या कह रहा था जी? तुमने साइन से क्या कहा है कि अरसम और अतिया के बीच झगड़ा हुआ था? कोई वक्त है ये बात पूछने का और मुझे क्या इल्म इस बात का? मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन तुम रहम के काबिल ही नहीं हो। देखा, इतना कुछ हो गया, अब इतना अपनी बहन बाज नहीं आई मेरी बहन को मेरे खिलाफ करने से। एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी तुम चला रही थी या अतिया? नूर, अपने हाथों से तुम अपना घर बर्बाद कर चुकी हो, अतिया का घर तो बसने दो। एक बार फिर मैं तुम्हें समझाने की बेवकूफी कर रही हूं, इस घर में तुम्हारी हैसियत क्या रह गई है? किसी भी वक्त तुम्हें इस घर से निकाला जा सकता है, तुम्हारी जड़ें कट गई हैं। जिसके दम पे तुम इतना अकड़ती थी वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा। तुम अकड़ से नहीं अकल से काम लो। इमाम बस करो, क्या बोल रही हो तुम? अम्मी ये कड़वा सच है और नूर को ये तस्लीम करना होगा। को समझने की कोशिश करो, मैडम फारूकी और साइन कभी भी तंग आके तुम्हें इस घर से निकाल सकते हो, उन्हें टेंशन मत दो, उनका जवान बेटा और है, खुद को संभालो ताकि तुम उन्हें संभाल सको। मुझे वापस ले आओ। मत करो मैडम।